नमस्कार आप सभी को, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 23 में एक रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगा। प्रॉब्लम है कि एक जोड़ा डाइस को 3 बार उछालने से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा। क्योंकि एक जोड़ा डाइस को 1 बार उछालने से पहला डाइस में 1, दूसरे डाइस में भी हो सकता है 1, पहला डाइस में 1, दूसरा डाइस में हो सकता है 2, इसी तरह हमको 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, .. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6 इतना आउटकम्स हो सकता है। ये सब आउटकम्स को हम लोग कलेक्शन कर लेंगे तो एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ये सैंपल स्पेस में हम देख रहे हैं कि सैंपल स्पेस एक सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर 1-1, 1-2 .. करते करते ऑर्डर्ड पेयर 6-6 है। और डबलेट क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ डबलेट्स लेकर के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो डबलेट क्या है, तो डबलेट है जैसे 1-1 सेम चीज है ऑर्डर पेयर में, 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 ये सब को कलेक्शन कर लिया, एक सेट बना लिया, तो ये डबलेट्स का सेट हो गया। तो डबलेट्स का सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 6 1-2-3-4-5-6 तो NA इक्वल टू 6। और सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स है, 36। तो एक बार एक जोड़ा डाइस को अगर उछालते हैं तो डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो डबलेट की संख्या 6 है और सैंपल स्पेस में नंबर है 36, तो 6/36 तो 1/6 हो गया। एक जोड़ा डाइस को 1 बार उछालने से डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/6। तो नॉन डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी, डबलेट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, तो 1-1/6 तो हो जाएगा 5/6। अब है कि इस जोड़ा डाइस को 3 बार उछालेंगे, 3 बार उछालने से किसी बार डबलेट आएगा, किसी बार डबलेट नहीं आएगा। तो मान लेते 3 बार नहीं आएगा तो डबलेट की संख्या 0 हो जाएगा, और 3 बार अगर डबलेट आ जाता है तो डबलेट की संख्या 3 होगा, मैक्सिमम 3। और अगर 3 बार में से कोई 1 बार आया तो डबलेट की संख्या 1 हो जाएगा। 3 बार उछालने पर मान लेते 2 बार डबलेट आ गया तो डबलेट की संख्या 2 हो गया। तो इसका मतलब है डबलेट की संख्या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि डबलेट की संख्या को x बोले, कैपिटल x, तो कैपिटल x का वैल्यू 0, 1, 2, 3 में से कोई हो सकता है। तो ये रियल नंबर्स है, x का वैल्यू जितना हो गया रियल नंबर्स हो गया, तो x हो गया एक रैंडम वेरिएबल। तो अब हम लोग को देखना है कि ये जो थ्रो कर रहे हैं तो ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पहले बार का थ्रो में जो आउटकम आएगा, दूसरे बार का थ्रो में आउटकम आएगा, तो ये दोनों थ्रो का जो हो रहा है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहला थ्रो के साथ दूसरे थ्रो का कोई रिलेशन नहीं है। पहला थ्रो में जो आउटकम आएगा वो दूसरा थ्रो में उसके अनुसार आएगा, कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए हर थ्रो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए प्रोबेबिलिटी निकालने के समय
हम लोग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कोई डबलेट नहीं, पहला थ्रो में भी डबलेट नहीं, दूसरा थ्रो में भी डबलेट नहीं और तीसरा थ्रो में भी नहीं डबलेट। तो नहीं डबलेट का प्रोबेबिलिटी एक बार में 5/6 होता है। तो 5/6 पहला बार में नहीं आने का, दूसरे बार में नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6, तीसरे बार में नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। तो ये हो गया 125/216। अब पी एक्स इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू वन मतलब एक बार डबलेट आना है। मान लेते पहले बार में डबलेट आ गया तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6, और दो बार में डबलेट नहीं आया मतलब प्रोबेबिलिटी 5/6 × 5/6, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। मान लेते कि दूसरे बार में आया, पहले बार में नहीं आया, पहले बार में नहीं आने से प्रोबेबिलिटी 5/6, दूसरे बार में आने से 1/6, तीसरे बार में नहीं आया 5/6। तो एक बार हो रहा है, एक बार डबलेट और दो बार नॉन डबलेट, प्लस पहला बार में डबलेट नहीं, दूसरे बार में डबलेट नहीं, तीसरे बार में डबलेट, तो यहां पर 1/6, नहीं वाला में 5/6। तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा 75/216। अब पी एक्स इक्वल टू टू मतलब किसी दो बार में डबलेट आया और एक बार में डबलेट नहीं आया, तो टू डबलेट्स एंड वन नॉन डबलेट। तो मान लेते हैं कि पहले बार में डबलेट आया तो प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे बार में डबलेट आया तो प्रोबेबिलिटी 1/6, तीसरे बार में डबलेट नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी 5/6। पहले बार में डबलेट आया तो 1/6 प्रोबेबिलिटी, दूसरे बार में डबलेट नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी 5/6, तीसरे बार में डबलेट आया तो प्रोबेबिलिटी 1/6, पहले बार में डबलेट नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी 5/6, दूसरे बार में डबलेट आया तो 1/6, तीसरे बार में डबलेट आया तो 1/6। तो दो बार डबलेट हो गया तो इसका वैल्यू हो गया 15/216। अब पी एक्स इक्वल टू थ्री मतलब तीनों बार में डबलेट आना, तो पहला बार में डबलेट आने से प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे बार में आने से प्रोबेबिलिटी 1/6, तीसरे बार में डबलेट आने से प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/216। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। यहां फर्स्ट रो में एक्स है रैंडम वेरिएबल, सेकेंड रो में प्रोबेबिलिटी है। तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी 125/216। एक्स इक्वल टू वन के लिए प्रोबेबिलिटी 75/216। एक्स इक्वल टू टू के लिए प्रोबेबिलिटी 15/216। एक्स इक्वल टू थ्री के लिए प्रोबेबिलिटी 1/216। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, तो हम लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये कैपिटल एक्स जो है वो है कि किसी स्कूल डे में, किसी स्कूल डे रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे में आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते हैं। तो कैपिटल एक्स का वैल्यू को हम लोग अगर स्मॉल एक्स बोले और इसका प्रोबेबिलिटी ये नीचे दी हुई है, तो ये प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू 0.1 जब स्मॉल एक्स इक्वल टू 0। इसी का वैल्यू के एक्स है जब एक्स इक्वल टू 1 या 2। इसी का वैल्यू के
अंडर ब्रैकेट 5 माइनस एक्स है जब एक्स का वैल्यू 3 या 4। यहां के क्या है, ये कांस्टेंट है और इसी का वैल्यू 0 है अदरवाइज, मतलब इसके अलावा जो घंटा पढ़ते हैं इसका वैल्यू 0 है प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ए है कि निकालना है कि के का वैल्यू निकालना है। नंबर बी है कि कम से कम 2 घंटा पढ़ते हैं इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट है कि केवल 2 घंटा पढ़ते हैं इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या है, और नेक्स्ट है ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा पढ़ते हैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का निकाल लेते हैं। तो टेबल बनाया, टेबल में यहां पर कैपिटल एक्स का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स का वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 या ज्यादा होने से तो 0 हो जाता है प्रोबेबिलिटी, इसीलिए उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो जब कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स और स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 तो ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0.1, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0.1 प्रोबेबिलिटी। जब कैपिटल एक्स का वैल्यू 1, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स और स्मॉल एक्स का वैल्यू 1, तो ये के एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो के मल्टीप्लाई 1 मतलब के। कैपिटल एक्स का वैल्यू 2 है तो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स का वैल्यू जब 2 है तो यहां पर के एक्स है मतलब के मल्टीप्लाई 2 मतलब 2k। कैपिटल एक्स का वैल्यू 3 है, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, एक्स का वैल्यू 3 है तो यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के 5 माइनस 3 मतलब 5 माइनस 3 2k। जब कैपिटल एक्स का वैल्यू 4 है तो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स और स्मॉल एक्स का वैल्यू अगर 4 है तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे के 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 मतलब के। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया ये रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए। हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तभी हो सकता है जबकि ये कैपिटल एक्स का वैल्यू रियल नंबर होगा और ये प्रोबेबिलिटी जितना है ये सब का जोड़ 1 होना है। तो ये सब का जोड़ 1 होना है मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो गया 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस के हो जाएगा 1। तो इसी को कैलकुलेशन करने पर k का वैल्यू हो जाएगा 0.15। अब बी नंबर को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटा पढ़ते हैं, मतलब कैपिटल एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4, ज्यादा तो 0 है इसीलिए प्रोबेबिलिटी लिखने का जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 है, कैपिटल एक्स इक्वल टू 2 में प्रोबेबिलिटी 2k है, 2k, और प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3, कैपिटल एक्स इक्वल टू 3 में प्रोबेबिलिटी 2k है, और प्रोबेबिलिटी एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू 4 में प्रोबेबिलिटी है k है। तो ये हो गया 5k, मतलब 5 मल्टीप्लाई 0.15 मतलब 0.75। नेक्स्ट है कि एग्जैक्टली 2 आवर्स, प्रोबेबिलिटी यू स्टडी एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो एग्जैक्टली 2 आवर मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 2 में प्रोबेबिलिटी 2k है तो यहां पर 2k लिखेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 0.15 तो ये हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट है कि एट मोस्ट 2 आवर्स का प्रोबेबिलिटी, यू स्टडी एट मोस्ट 2 आवर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, मतलब
कैपिटल एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू, तो कैपिटल एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू में प्रोबेबिलिटी लिखना होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू, ज्यादा से ज्यादा टू। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो, कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो में प्रोबेबिलिटी 0.1, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू वन में प्रोबेबिलिटी है के, और कैपिटल एक्स इक्वल टू टू में प्रोबेबिलिटी है 2k। तो k का वैल्यू तो 0.15 है, तो ये बैठा देते हैं 0.1 प्लस 0.15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.15, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.55। तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।